हेलो मेरे यादव, तो कैसे हो आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जस्टिस लीग के बारे में। मतलब आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि मतलब पहले से ही जब जस्टिस लीग एग्जिस्ट करती है तो हम लोगों को जस्टिस लीग स्नाइडर कट की क्या जरूरत है, मतलब ऐसा क्या होगा उसमें कि हम लोगों को वो देखे। तो आज इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और पता लगाएंगे कि जस्टिस लीग जो नई आ रही है तो उसमें क्या क्या ऐसा कुछ हम लोगों को खास देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, और क्या वो मूवी वर्थ इट है जो हम लोग उसको देखे या ना देखे, और पुरानी वाली मूवी ऐसा क्या किया था कि मतलब वो इतनी बेकार हो गई कि फैंस डिमांड करने लगे कि मतलब हम लोगों को नई जस्टिस लीग चाहिए, और वो आखिरकार मतलब इतनी डिमांड हो गई कि वो बन भी गई। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। पहले में मैं आपको बताऊंगा कि जो पुरानी वाली जस्टिस लीग है उसके साथ क्या बुरा हुआ, और दूसरी पार्ट पर मैं आपको बताऊंगा कि जो नई वाली जस्टिस लीग आ रही है उसमें आपको मतलब क्या क्या नया देखने को मिलेगा, मतलब क्या क्या अच्छा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये सब मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। तो टाइम स्टैम्प आ गया होगा, शायद नहीं आया क्या। पूरी वीडियो देखो है, दिमाग लगा रहे हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि 2017 में जो जस्टिस लीग आई थी उसमें ऐसी क्या क्या बुराइयां थी, क्या क्या खामियां थी कि या तो वो मूवी हम लोगों को समझ नहीं आती है या तो वो मूवी हम लोगों को पसंद नहीं आई थी, मतलब क्या हुआ था ऐसा। तो सबसे पहले जो पॉइंट था वो था कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, और हम लोगों को कैरेक्टर इंट्रोडक्शन इतना बेकार दिया गया था, मतलब साइबॉर्ग का तो दिया ही नहीं गया था। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जब जस्टिस लीग डिसाइड हुई थी बनने को तब जैक स्नाइडर इसको बनाने वाले थे, और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि साइबॉर्ग की जो ओरिजिन होगी वो लोग उसी मूवी में उसको दिखाने वाले थे, और साइबॉर्ग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था इस मूवी में, और केवल साइबॉर्ग का नहीं बल्कि फ्लैश का भी और बैटमैन का भी, और मतलब सभी का बहुत ही ज्यादा एक पर रोल था। मतलब ऐसा नहीं था कि लास्ट में सुपरमैन आएगा सबको मारेगा और मूवी खत्म, चलिए बाय बाय, ऐसा नहीं होने वाला था। बट ये हम लोगों को 2017 वाली जस्टिस लीग में देखने को मिला था, और वो चीज मतलब मुझे काफी ज्यादा बुरी लगी थी। वैसे लास्ट वाली फाइट में तो मैं आखिरी में आऊंगा। तो अब जो दूसरा पॉइंट है वो है कि पिक्चर की जो टोन थी वो पहले ही डार्क थी। मतलब शुरुआत में आप लोग अगर देखेंगे तो आप लोग देखेंगे बहुत ही ज्यादा सैड सॉन्ग था, मतलब दुख भरा उदासी वाला सॉन्ग था, और थोड़ी देर बाद जब जॉस वाइडन उसको बनाने लगे थे मूवी को तब हमारे मूवी के कैरेक्टर बेफालतू के जोक मारने लगे थे। बस ये वाला बेफालतू का नहीं था, ये बढ़िया था। तो जो मूवी में बार बार टोन बदल रही थी, मतलब पहले मूवी थोड़ी डार्क टाइप की थी और फिर लाइट हार्टेड हो गई जैसे एवेंजर्स टाइप की हो गई, तो उसके पीछे का रीजन था दो डायरेक्टर। मतलब पहले इसको जैक स्नाइडर डायरेक्ट कर रहे थे, फिर उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो गया जिसके बाद वो नहीं कंटिन्यू कर पाए। फिर उसके बाद आए जॉस वाइडन साहब जिन्होंने एवेंजर्स और एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन बनाई थी, और उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाई थी उन्होंने। तो पता नहीं उन्होंने हक क्यों दिया। और अगर अब हम लोग बात करें तीसरे पॉइंट की तो वो था विलेन, जो कि था इस मूवी का स्टेपन वुल्फ। तो अब भाई विलेन के बारे में क्या ही बताऊं, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि जस्टिस लीग जो पुरानी वाली है उसका विलेन बिल्कुल बच्चा जैसा लग रहा था यार स्टेपन वुल्फ, और ये बात काफी ज्यादा फैंस ने भी कही थी कि स्टेपन वुल्फ का CGI बहुत ही ज्यादा बेकार है। और मतलब अगर आप लोग कॉमिक बुक देखते होंगे तो आपको पता होगा कि जो कॉमिक बुक का स्टेपन वुल्फ है वो मूवी वाले स्टेपन वुल्फ से काफी ज्यादा अलग है, तो इसी वजह से शायद लोग बुरा मान गए थे कि नहीं मुझे दूसरी मूवी चाहिए और स्टेपन वुल्फ खासकर अच्छा होना चाहिए उस पर। और वैसे ये वाला स्टेपन वुल्फ देखने में बिल्कुल डेंजरस नहीं लग रहा था, और देखना तो दूर की बात ये वाला स्टेपन वुल्फ वैसे ताकतवर भी नहीं था, क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे एज अ ऑडियंस कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर विलन देखने को मिलेगा जो मतलब सुपरमैन को भी थोड़ी बहुत टक्कर दे सकता है, बट सुपरमैन के आते ही मूवी ख़त्म। इस मूवी का नाम जस्टिस लीग की जगह सुपरमैन को जिंदा करना होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। इसमें ऐसे काफी सारे सीन बन सकते हैं जो कि आपको मेरे ख्याल से पहले से ही पता होंगे, जैसे कि इस मूवी में टाइम ट्रैवल होने वाला था बट नहीं हुआ क्योंकि मूवी केवल 2.5 घंटे की रखनी थी, और इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे कूल सीन होने वाले थे जैसे कि सुपरमैन का ब्लैक वाला सूट होने वाला था उसका, और बैटमैन का भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सीन होने वाला था। और अगर आपको ये चीज नहीं पता तो मैं आपको अभी एक और बात बता दूं कि वंडर वुमन का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला था, वही होने वाली थी जो स्टीफन वुल्फ को मारने वाली थी, बट ऐसा हम लोगों को नहीं देखने को मिला। और स्पॉइलर अलर्ट, बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि स्नाइडर कट में वंडर वुमन ही मेरे ख्याल से स्टीफन वुल्फ को मारेगी।
ये मूवी 2017 में आई थी और तब हम लोग साइबॉर्ग और एक्वामैन को जानते भी नहीं थे, मतलब एक्वामैन की मूवी तब नहीं आई थी, तो हम लोग एज एन ऑडियंस उनसे कनेक्ट नहीं कर पाए और उनके मतलब कुछ समझ ही नहीं आया उनके बारे में। तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते अपने अगले पॉइंट पे, जो कि है कि हम लोगों को ये जो नई मूवी आ रही है उसमें क्या क्या नया देखने को मिलेगा, क्या क्या अच्छा देखने को मिलेगा। तो मैं आपको पूरा स्पॉइलर या पूरा ब्रेकडाउन नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको ऊपर ऊपर बता दूंगा कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा और आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी हाई होनी चाहिए। तो अगर आप लोग स्पॉइलर नहीं चाहते हैं तो अभी वीडियो बंद कर सकते हैं। तो अगर अब हम लोग बात करें कि हम लोगों को ये जो नई वाली जस्टिस लीग देखने को मिल रही है उसमें हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब क्या क्या नया देखने को मिलेगा, तो अगर मैं इसका सिंपल सिंपल आंसर दूँ तो इसका आंसर है सब कुछ। इस मूवी में हम लोगों को सब कुछ नया देखने को मिलेगा, मतलब कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ही ज़्यादा रिपीट हो रहा है। मतलब हो सकता है कुछ सीन्स हो जो कि रिपीट हो रहे हो, जो कि पहले या तो डिलीटेड सीन से उठाए गए हो या फिर पहले वाली मूवी से उठाए गए हो, बट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि पूरी मूवी मतलब जस्टिस लीग से उठाई गई थी, पुरानी वाली 2017 वाली, तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगने वाला है। और ये बात खुद जैक स्नाइडर ने कही थी कि 2017 में जो जस्टिस लीग आई थी उसमें उनकी स्टोरी का केवल 25% ही दिखाया गया था और वो वाली मूवी थी 2 घंटे की, और ये जो नई वाली जस्टिस लीग आ रही है ये है पूरे के पूरे 4 घंटे की एक मूवी। तो मतलब कितना कुछ वो लोग उठा लेंगे आप लोग खुद ही सोच लीजिए। तो हम लोग को मतलब पुराना कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। और अब हम लोग अगर बात करें हम लोग को नया नया क्या क्या देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा क्या देखने को मिलेगा जो मजा आ जाएगी, तो उसमें से काफी चीजें तो आप लोग ट्रेलर में समझ ही चुके होंगे, देख ही चुके होंगे। इसमें से सबसे पहली चीज है साइबॉर्ग की जो ओरिजिन स्टोरी है वो हम लोगों को बहुत अच्छे से दिखाई जाएगी, जो सुपरमैन पे इफेक्ट पड़ता है जब वो जिंदा हो जाता है और जब उसके पापा कहते हैं उससे कि जाओ तुम दूर हो जाके कि तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा गया है, वापस क्यों लाया गया है, तो उसके पीछे का रीजन पता करो, तो तब वो जाता है रीजन की तलाश में मेरे ख्याल से जैक स्नाइडर सुपरमैन और स्टीफन वुल्फ की फाइट को भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से दिखाएंगे। और हम लोग अगर बात करें तो हम लोगों को नाइट में सीक्वेंस दिखाया जाएगा जहाँ पे हम लोगों को जोकर भी देखने को मिलेगा एक्चुअली में, और मतलब टाइम ट्रेवल तो हम लोगों को देखने को मिलेगा ही, और भी काफी सारे नए कैरेक्टर्स मूवी में आ रहे हैं और 4 मिनट का इसमें नया भी शूट हुआ है, तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मूवी में हम लोगों को काफी कुछ मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा और कुछ नया देखने को मिलेगा, जो कि हम लोगों को 2017 वाली जस्टिस लीग से उम्मीद तो थी कि देखने को मिलेगा बट देखने को मिला नहीं था। तो मतलब अब हम लोग उम्मीद ही कर सकते हैं कि हम लोगों को वो सब देखने को मिले, और पता हम लोगों को चलेगा 18 मार्च को और शायद ये मूवी रिलीज होगी एक नए प्लेटफॉर्म पे जो कि एशिया में लॉन्च हो रहा है, उसका नाम है HBO Go, तो शायद हम लोग ये मूवी उसी में देख सकते हैं। तो बस यार आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इसमें कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, या फिर उसमें कुछ ना पसंद आया हो तो प्लीज़ डिसलाइक करके कमेंट में बताइएगा कि क्या आपको पसंद नहीं आया, मतलब क्या आपको बुरा लगा, ताकि हम लोग आपके उस रिव्यू को उठा के अपनी आने वाली वीडियो को, अपनी फ्यूचर वीडियो को और भी ज़्यादा अच्छा कर सके। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।